हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी, मींस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी क्लास 9 आरएस अग्रवाल की बुक में एक्सरसाइज 19 दी हुई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। अदर वीडियोस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्रोबेबिलिटी की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एंड स्पेशल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइडेड है। सो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम्स, मीन्स आपके पास कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं, उन्हें एक साथ टॉस किया जा रहा है, राइट? कितने टाइम्स टॉस किया है? 200 टाइम्स। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने कितने ले लिए? 200 टाइम्स। ये क्लियर है आपको कि हमने 200 टाइम्स ट्रायल्स लिए हैं, एंड वी गेट 3 हेड्स 39 टाइम्स, 2 हेड्स 58 टाइम्स, 1 हेड 67 टाइम एंड 0 हेड 36 टाइम। देन व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 1 हेड, 0 हेड, 2 हेड। बहुत टिपिकल है ना स्टूडेंट्स, ये कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। बहुत इजी है। आपको जब मालूम है कि जब हम 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करते हैं, हमने 3 कॉइन्स टॉस किए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन मान लेते हैं कि तीनों पे हेड आ जाता है, ठीक है? मान लिया 3 कॉइन्स आपने जब टॉस किए तो फर्स्ट ऑप्शन के तीनों पे हेड आ गया, राइट? एंड सेकंड ऑप्शन कि आपका 2 पे हेड आ गया, 1 पे टेल आ गया, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। जरूर थोड़ी है तीनों पे हेड आ जाएगा, नो, 2 पे हेड आ सकता है, 1 पे भी हेड आ सकता है, ऐसी भी हो सकता है किसी पे भी हेड ना आए। सो हम बात करेंगे 2 पे हेड आने के लिए। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने मान लिया इन 2 पे हेड आ गया एंड थर्ड वाले पे टेल आ गया, एक ऑप्शन तो ये है। अभी हम 2 हेड आने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? 3 हेड आने के लिए तो हमारा सॉल्व हो गया कि तीनों पे हेड आ जाए। 2 हेड आने के लिए एक कंडीशन ये हो सकती है, फर्स्ट पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए एंड थर्ड वाले कॉइन पे हेड आ जाए, ये हो सकता है ना? फर्स्ट कॉइन पे एंड थर्ड कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए, लेकिन आ तो 2 ही हेड गए ना। नाउ एक कंडीशन ये हो सकती है, फर्स्ट वाले पे टेल एंड बाकी सेकंड और थर्ड वाले पे हेड आ जाए। यही 3 कंडीशन हो सकती है कि तीनों में से 2 पे हेड आ जाए, कि फर्स्ट सेकंड पे आ जाए या सेकंड थर्ड पे आ जाए या थर्ड वन पे हेड आ जाए, ठीक है? ये बात हो गई थी 2 हेड्स आने की। नाउ अदर पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं? अदर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि एक ही पे हेड आए, मींस या तो आपका हेड फर्स्ट पे आ जाए, सेकंड थर्ड पे टेल आ जाए, राइट? या फिर आपका हेड सेकंड पे आ जाए, फर्स्ट थर्ड पे टेल आ जाए, या फिर आपका हेड थर्ड वाले कॉइन पे आ जाए एंड फर्स्ट सेकंड पे टेल आ जाए। यही 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इससे 1 हेड आने के लिए, ठीक है? सेकंड हेड आने के लिए आपने देख लिया कि 1-2 पे हेड आ जाए, या फिर 2-3 पे हेड आ जाए, या फिर 3-1 पे हेड आ जाए, एंड 1 हेड आने के लिए फर्स्ट पे आ जाए, सेकंड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए, 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है? एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से किसी पे हेड ही ना आए, मीन्स नो हेड, ये लास्ट इवेंट आपका आउटकम हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम्स हैं? नो, सिर्फ यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। दैट मीन्स 3 कॉइन्स जब हम टॉस करते हैं तो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है? कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं? 8। जैसे हम 2 कॉइन्स करते हैं तो 4 होते हैं ओनली, 1 को टॉस करते हैं तो 2 होते हैं, एंड सेम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। इस बेसिक कंसेप्ट को आप ध्यान कर लीजिएगा। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन से, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। आपको पूछा है 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, सो नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ 3 हेड्स कितने टाइम्स आया है आपका? 39 टाइम्स, ठीक है? एंड नंबर ऑफ 2 हेड्स कितने टाइम्स आया है हमारा? 58 टाइम्स। चलिए जी, नाउ नंबर ऑफ 1 हेड कितने टाइम्स आया है हमारा? 67 टाइम्स। एंड नंबर ऑफ 0 हेड कितने टाइम्स आया है? 36 टाइम्स। सो इसने बोला है कि जब आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो 3 हेड्स आए, ऐसे कितनी बार चांसेस हुआ?
39 टाइम्स, मीन्स तीनों कॉइन पे हेड आ गए। ऐसे कितने टाइम्स हुआ है? 39 टाइम्स। एंड जब आपने तीनों कॉइन को टॉस किया तो टू हेड कितने टाइम्स आए? 58 टाइम्स। ठीक है, दैट मीन्स आप इसे एक इवेंट इवन मान लीजिए जब तीनों पे हेड आता है, एंड जब दो पे हेड आता है तब आप E2 मान लीजिए। इन तीनों पॉसिबल आउटकम्स को हमने मान लिया E2, क्योंकि हमारी यहाँ पे बात कही है टू हेड्स होने की। उसने ये नहीं बताया कि वन पे आया, कि वन थ्री पे आया, टू थ्री पे आया, थ्री वन पे आया। उसने सिर्फ आपको बताया है कि टू हेड्स आए हैं। दैट मीन्स इन तीनों पॉसिबल आउटकम को एक इवेंट मान लिया। थर्ड, वन हेड आया, तो ये तीनों इवेंट आप देख रहे हो, वन हेड आया आपके, इसको हमने मान लिया E3। राइट, नाउ नंबर ऑफ जीरो हेड मीन्स कोई भी हेड नहीं आया, तीनों पे टेल आया भाई, तो इसकी इस इवेंट को हमने मान लिया E4। ठीक है, ये क्लियर है ना? ये भी हम बात क्यों कर रहे हैं वो आप वीडियो के लास्ट में समझेंगे, वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए। सो फोर आपके इवेंट्स हो गए। नाउ बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो कंसीडर इवन एज ए इवेंट, हमने जैसे कि कंसीडर किया है, कंसीडर इवन एज ए इवेंट ऑफ कमिंग अप कितने हेड्स? थ्री हेड्स। ठीक है, हमें हमने मान लिया इवन थ्री हेड्स आने के लिए। नाउ प्रोबेबिलिटी इवन कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला बताइए जल्दी जल्दी। फॉर्मूला फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यही होता है फॉर्मूला। फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला ऑफ, मैंने आपको बताया है एक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले वीडियो में, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है हमारा फॉर्मूला। नाउ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स नंबर ऑफ थ्री हेड्स कमिंग अप, कितने टाइम्स थ्री हेड आ रहा है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को नंबर ऑफ थ्री हेड्स कमिंग अप। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल्स हुआ है। क्लियर, तो हमारा कितने टाइम्स ट्रायल हुआ है? 200 टाइम्स। एंड नंबर ऑफ हेड्स कितने? थ्री हेड्स कितने टाइम आया है? 39 टाइम्स। क्लियर, एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी 0.195। राइट, यानी कि आपकी तीनों कॉइन्स के हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.195 आ गई भाई। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है वन हेड। सो हम वन हेड को हमने इवेंट E3 माना था, टू हेड्स को E2 एंड जीरो हेड को E4। राइट, यहाँ पे हम स्टेटमेंट अगेन लिख लेंगे, कंसीडर E3 एज ए इवेंट ऑफ कमिंग वन हेड। इस सेकंड क्वेश्चन में हमसे वन हेड के लिए पूछा है, सो फॉर्मूला अगेन PE3 के लिए हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ वन हेड्स कमिंग अप, नंबर ऑफ वन हेड कमिंग अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। याद रखना, कभी भी फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो मैंने इम्पोर्टेंट और इजी फॉर्मूला बताया है, इसको याद रख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स कितने टाइम्स ट्रायल हुआ है हमारा, यहाँ पे बता दीजिए। हमारा ट्रायल लिया है हमने 200 टाइम्स, एंड वन हेड कितने टाइम्स आया है देख लेते हैं। वन हेड आया है हमारा 67 टाइम्स। राइट, सो जब डिवाइड करेंगे 200 से 67 को तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.335। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? अभी हमने दो पॉइंट सॉल्व किए हैं थ्री हेड्स एंड वन हेड्स के लिए। फर्स्टली कंसीडर इवन एज ए प्रोबेबिलिटी, दैट मींस हमने थ्री हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.195 हो गई, वन नाइन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.335 हो गई। नाउ जीरो हेड एंड टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं।
अगेन आप मुझे बताएंगे अगर हम जीरो हेड एंड टू हेड आने के लिए बात करते हैं, सो सेम प्रोसेस आपका अप्लाई होगा. थर्ड पॉइंट, कंसीडर जीरो हेड के लिए हमने यहाँ पर इवेंट माना था E4, दैट मीन्स E4 एज ए इवेंट ऑफ कमिंग अप जीरो हेड, राइट. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE4 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो हेड्स कमिंग अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यही आएगा आपका फॉर्मूला. सो हम फॉर्मूले में वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देते हैं. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने टाइम हुआ है, 200 टाइम्स, एंड जीरो हेड्स कितने टाइम आया है हमारा, 36 टाइम, ठीक है. सो वैल्यू पुट की हमने, कितना आ गया, 36 आ गया. नाउ जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 0.18. 2 ones are 2, 2 8s are 16, दैट मीन्स 0.18. सो जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई. कंसेप्ट क्लियर है, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा. नाउ फोर्थ ऑप्शन आपसे पूछा है, टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी. टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा. कंसीडर E2, हमने टू हेड के लिए क्या माना था, E2 एज ए इवेंट ऑफ कमिंग टू हेड्स, दैट मीन्स PE2 किसके इक्वल हो जाएगा, PE2 आपका इक्वल हो जाएगा. टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी फ्रेंड्स हमारी, टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी थी हमारी 58 टाइम्स, 58 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट मीन्स 200. डिवाइड करेंगे 2 2s are 4, 2 9s are 18, सो 0.29. क्लियर इतना आपको. इसका मतलब आपने सबसे पहले सॉल्व किया PE1, उसके बाद सॉल्व कर लिया आपने PE3, देन PE4, देन PE2. तो टोटल आउटकम्स आपके सभी इन्वॉल्व हो गए और आपको मालूम हो गया कि 3 हेड, 1 हेड, 0 हेड एंड 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ये क्वेश्चन यहीं पे आपका समझ हो जाता है, क्लियर हो जाता है. नाउ स्पेशल थिंग भी ध्यान रखना, अप्लाई करके देख लीजिएगा कि चारों पॉसिबल आउटकम्स जो आपके इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी जो आई है इनका सम 1 है. आप करके देख लीजिएगा, 0.195 प्लस 0.335 प्लस 0.18 प्लस 29 इक्वल्स टू 1 के है, राइट. हमेशा ध्यान रखना जो भी इवेंट की आपकी प्रोबेबिलिटी आती है उनका जब हम सम करते हैं वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है. ध्यान रखना ऐसा नहीं आपको करना है कि आप दो की ट्राई कर ली कि इनका तो सम 1 के इक्वल नहीं आया. दो नहीं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनकी हर किसी की इवेंट का सम करें तब उनका सम 1 के इक्वल आता है. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, सो इनके सभी इवेंट की आपकी प्रोबेबिलिटी का सम आपने किया तभी बनाएगा. इन तीन पॉसिबल आउटकम्स को आपने E2 माना, इन तीन पॉसिबल आउटकम्स को E3 माना, एंड आपके 4 इवेंट्स हुए. जब उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके सम करोगे तब वैल्यू बनाएगी. कंसेप्ट क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, अ डाई इज थ्रोन 300 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो. मींस एक डाई आपका 300 टाइम्स थ्रो किया गया है. डाई समझते हैं ना, जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो में एक डाई होता है आपका जिसको आप थ्रो करते हैं एंड आपके नंबरिंग्स आते हैं. सो बताएंगे आप मुझे उस डाई पे कितने नंबरिंग होते हैं. यस, 6 नंबरिंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबरिंग होते हैं, उसके अलावा तो कोई नंबरिंग नहीं होता, ठीक है. दैट मीन्स पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं उस डाई पर, 6 आ सकते हैं. या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. आप कौन से वाला मानते हैं, जो अपर सरफेस पे होता है, ठीक है. एक सॉलिड क्यूबिकल फॉर्म में होता है वो, उसका जो अपर सरफेस जो होता है उस अपर सरफेस पे जो भी नंबरिंग आता है उसे हम मानते हैं कि ये नंबर आया है, ठीक है. दैट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं उसके. नाउ फर्स्टली यू विल राइट हियर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने दिए हैं, 300 टाइम्स. दैट मीन्स आपने डाई को कितने 100 टाइम्स शो किया है, 300 टाइम्स. अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बता दिया कि 6 होते हैं. अब उसमें से, उन 300 में से 1 कितने टाइम्स आया है,
60 टाइम्स आया है, 2 कितने टाइम्स आया है, 72 टाइम्स, 3 54 टाइम्स आया है, 4 42 टाइम्स आया है, 5 39 टाइम्स आया है एंड 6 33 टाइम्स आया है। ये क्लियर है आपको? 6 नंबरिंग है, मींस 300 टाइम्स अगर हम थ्रो करते हैं डाई को तो इंडिविजुअली नंबर आपका जो इवेंट है, 1 आपका ये एक इवेंट है, ठीक है। मैंने बताया था जो भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसके ईच आउटकम को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। दैट मींस ये 6 पॉसिबल आउटकम है तो इसके ईच पॉसिबल आउटकम को हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। सो 1 कितने टाइम्स आया, 60 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आया, 72 टाइम्स। इस तरीके से सभी नंबरिंग्स आपको बता दिए गए हैं कितने टाइम्स आया है 300 में से। नाउ व्हेन अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 6 5 एंड 1। आपको 4 नंबर्स दिए हैं, आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है कि इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी एंड 1 आने की प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी है, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं, फर्स्टली पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। कंसीडर, हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इवन मान लेते हैं, इवन एज ए इवेंट ऑफ कमिंग 3, ठीक है, मींस 3 आने की प्रोबेबिलिटी हमने इवेंट को हमने क्या माना, इवन माना। सो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी आपकी, प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वल हो जाएगी पी इवन इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स 3 कितने टाइम्स आया है, नंबर ऑफ टाइम्स 3 कमिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये किस फॉर्मूले से आया है, ये आपके उसी फॉर्मूले से आया है जो आपको लर्निंग के लिए बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो आपको मालूम है ना कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर मींस जितने टाइम्स ट्रायल किया है, फेवरेबल मींस जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो कितने टाइम्स आया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम 3 आने की चेक कर रहे हैं कि 3 नंबर आने की आप प्रोबेबिलिटी बताइए। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने टाइम हुआ है आपका, 300 टाइम्स हुआ है। दैट मींस अपॉन में तो आप क्लियरली लिख सकते हैं कि 300 आएगा, बट 3 कितने टाइम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस यहाँ पे हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 कितने टाइम्स आया है। सो वी राइट है नंबर ऑफ टाइम्स 3 कम्स, कितने टाइम्स 3 आता है हमारा, 54 टाइम्स आपका 3 आया है, राइट। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 54। नाउ डिवाइड कर लेते हैं इसको, आ जाएगा आपका 0.18 डिवाइड करेंगे 3 1 3 8 24 एंड 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 नंबर, ठीक है। जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ गई, 0.18 आ गई, राइट। ये सॉल्व हो गया। नाउ 6 आने की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, बहुत ईजी है, सेम यही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं हम। सेकेंड, कंसिडर E2, इस बार हम E2 मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी, E2 एज ए इवेंट ऑफ कमिंग 6, राइट। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, PE2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स 6 कम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। फोर्थ बहुत ईजी फ्रेंड्स, समझ आ रहा है आपको कितना ईजी कंसेप्ट है। नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, यहाँ से देखेंगे 33 टाइम्स आ रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हुआ है, 300। सो सॉल्व करना भी बहुत ईजी है, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 0.11। कंसेप्ट क्लियर है ना ये हमारा, आपको आंसर आपका आ गया 0.11। इट मींस 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 0.11। सो आपने 3 आने की प्रोबेबिलिटी चेक कर ली, यहाँ पर हमने 6 आने की प्रोबेबिलिटी चेक कर ली। नाउ सेम हमें 5 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है,
कैसे करेंगे। सेम कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी ई वन कितना आया हमारा 0.18 एंड पी ई टू कितना आया हमारा 0.11। ठीक है, सो 5 आने की प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। कंसिडर कर लेंगे कि हमारी E3 है, E3 एज ए इवेंट ऑफ कमिंग 5। ठीक है, आपने 5 आने के लिए इवेंट को मान लिया, वो E3 है। इट मीन्स PE3 किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स 5 कमिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। राइट, फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, सो 5 कितने टाइम्स आया है हमारा, जल्दी से बताइए। यस राइट, वेरी गुड, 39 टाइम्स आया है। एंड ट्रायल्स कितने टाइम हुआ है हमारा, 300 टाइम्स हुआ है। सो 5 आने कितने टाइम्स आया है, वो आपका 39 हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा 300 हो गया। जब हमने डिवाइडेड किया 3 1 3 3 3 9 एंड 100 अपॉन में, तो 0.13 हो गया। दैट मीन्स आपका 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.13 हो गई। कंसेप्ट क्लियर है ना। सेम प्रोसेस अप्लाई किया है, E3 इवेंट मान लिया 5 आने के लिए, एंड PE3 किसके इक्वल हो गया, 0.13, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 आने के 39 है, टोटल ट्रायल्स आपके 300 है। सो इजी ना, सो वी कैन राइट हियर PE3 इक्वल्स टू 0.13। नाउ ये आपका थर्ड पॉइंट सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ के लिए। कंसिडर E4 एज ए इवेंट ऑफ कमिंग 1। अब तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, अब आपका प्रोबेबिलिटी का डर बिल्कुल खत्म हो गया होगा, है ना। सो आगे के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, प्रोबेबिलिटी तो आप बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है, हम इजीली कर सकते हैं। नाउ PE4 सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, PE4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स 1 कमिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यही होता है हमारा फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसी फॉर्मूले से तो आया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हमने यहाँ पे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स कितने टाइम्स ट्रायल हुआ है, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्योंकि हम 1 आने की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स 1 कमिंग। सो 1 कितने टाइम आया है, बहुत इजी है। यस 60 टाइम्स आया है, दैट मीन्स 60 अपॉन 300, क्योंकि 300 क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। नाउ सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, 3 2 6 इट मीन्स 0.2 आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाता है। आपने देख लिया 3 आने की प्रोबेबिलिटी, PE1 0.18 है, PE2 0.1 है, PE3 0.13 है एंड PE4 0.2 है। क्लियर। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप चारों का सम करके देखेंगे, जो हमने क्वेश्चन 3, 1, 2 में अप्लाई किया था कि चारों की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो 1 आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर आपने 2 और 4 की प्रोबेबिलिटी अभी कैलकुलेट नहीं की है। टोटल आउटकम्स 6 हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ 4 की प्रोबेबिलिटी चेक की, कैलकुलेट की है 3 6 5 1। 1 कब आएगा, जब आप 2 और 4 की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे एंड 6 की प्रोबेबिलिटी आप सम करेंगे तब 1 आएगा। राइट, सो फॉर्मूला आपको याद है, सभी पॉसिबल आउटकम्स का सम इक्वल्स टू 1। ठीक है, वो आप एक अलग बात है, वो आपको समझना है कंसेप्ट, वो एक कंसेप्ट है, बट बेसिकली ये आपका आंसर हो गया कि आपकी चारों प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो जाता है। अदर क्वेश्चंस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशल वीडियोस, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर कैसा आता है, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स एक्सपेरिमेंट्स क्या होती हैं, वो सभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लें। अगर आपने एक बार वो वीडियो अच्छे से देख ली तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी कंसेप्ट हो प्रोबेबिलिटी का।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, यस मैम मुझे समझ आ गया है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे से क्वेश्चंस ला सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तरीके के आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बना सकें। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।